क्या आपने कभी हार्डवेयर शॉप से बल्ब खरीदा है? दुकानदार आपसे पूछता है कौन सा बल्ब चाहिए और आप कहते हैं 100 वॉट का बल्ब दे दो या 60 वॉट का बल्ब दे दो। ये 100 वॉट और 60 वॉट क्या होता है? क्या आपने कभी अपने घर में विद्युत से चलने वाले उपकरणों को ध्यान से देखा है? कभी आयरन पर ही गौर किया हो तो आपने उस पे 1 किलोवाट लिखा देखा होगा, ठीक उसी प्रकार हीटर पर 1.5 किलोवाट भी। ये वॉट या किलोवाट है क्या? ये दरअसल इस उपकरण की इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति होती है। अभी शक्ति क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसी भी कार्य के करने के दर को शक्ति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको घर से विद्यालय तक आने में 10 मिनट लगते हैं, आप ये भी जानते हैं कि घर से विद्यालय तक आने में आपका शरीर कुछ कार्य भी करता है। यहाँ आपके द्वारा 10 मिनट तक किए गए कार्य को शरीर की शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। विज्ञान की भाषा में लिखा जाए तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर रहता है। यदि उसका रेट लिया जाए तो वह शक्ति बताता है। हीट की ही तरह शक्ति को भी अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। शक्ति की एसआई यूनिट वॉट होती है, जिसे डब्ल्यू से दर्शाते हैं। एक सेकंड में किए गए 1 जूल कार्य को 1 वॉट कहते हैं। इसी के साथ साथ 1 वॉल्ट और 1 एम्पियर के गुणांक को भी 1 वॉट कहा जाता है। यदि 100 वॉट पर वापस जाया जाए जहां से शुरू किया था, 100 वॉट का मतलब है कि बल्ब में 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा की खपत होती है। एक और उदाहरण लेते हैं। आपके घरों में विद्युत के मीटर होते हैं। आपने सुना होगा कि इस बार 50 यूनिट बिजली चली है। क्या आप जानते हैं कि ये 50 यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 घंटे तक 1 किलोवाट शक्ति की खपत हुई, तब जाके 1 यूनिट बनी। यूनिट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो 50 यूनिट का मतलब ये हुआ कि समय और शक्ति को गुना किया गया तब 50 आया, तो उसे 50 यूनिट कहा गया। इस वीडियो के बाद उम्मीद है आप लोग घर में आने वाली पावर सप्लाई को थोड़ा बेहतर समझ पाए होंगे। बाकी विज्ञान में सवालों की कोई कमी नहीं है।